गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के प्रथम आगमन पर भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि नौसड़ चौराहे पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता अपने नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि MLC बनने के बाद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का पहला आगमन गोरखपुर में हुआ। महानगर के नौसड़ चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया। इसके साथ ही महानगर के विभिन्न चौराहों शास्त्री चौक, काली मंदिर, धर्मशाला बाजार पर स्वागत किया गया तथा गोरखनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन किया। उन्होंने कहा कि महानगर के कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का विषय है कि इस महानगर में डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है पर कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है। आज पार्टी ने उनको MLC बनाया है, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर जगदम्बा पाल, विधायक विमलेश पासवान, विधायक विपिन सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, राहुल श्रीवास्तव, देवेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, बच्चा पांडे, शशिकांत सिंह, रणविजय शाही, दयानंद शर्मा, जितेंद्र चौधरी, गौरव तिवारी, शिवम पांडे, अवधेश अग्रहरी, पीयूष मिश्रा, समीर श्रीवास्तव, राधेश्याम रावत, चंदपाल सिंह, पंकज जायसवाल सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है
कि जिस चीज़ की प्रतीक्षा हम सभी दशकों से कर रहे थे वो घड़ी पूरी हुई है। हम सबके नेता गोरखपुर के लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी MLC बनने के बाद प्रमाण पत्र लेकर पहली बार उनका प्रथम आगमन गोरखपुर में हो रहा है और नौसर चौराहे पे भारतीय जनता पार्टी महानगर के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य ऐतिहासिक स्वागत होगा और नौसर के बाद गोरखपुर के अंदर ट्रांसपोर्ट चौराहा, DDM चौराहा, भगत सिंह चौराहा, शास्त्री चौराहा, टाउन हॉल चौराहा, गोलघर काली मंदिर चौराहा, यातायात तिराहा, धर्मशाला बाजार, विश्वकर्मा मंदिर, सिंधी धर्मशाला और गोरखनाथ मंदिर, फिर उसके आगे चंद्रा पेट्रोल पंप से होते हुए माधव धाम जाएंगे, फिर वापसी में उनका स्वागत विश्वविद्यालय चौराहा, मोहद्दीपुर चौराहा, कूड़ाघाट चौराहा, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज रानी डिया का तिराहा, वहाँ के बाद क्षेत्रीय कार्यालय पर उनका भव्य अभिनंदन कार्यक्रम होगा। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, खास तौर पे गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का विषय है कि इस महानगर में वो क्षेत्रीय महानगर में महानगर के अध्यक्ष रहे, महानगर के उपाध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी का आज जो स्वरूप दिख रहा है महानगर में, निश्चित ही उसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का विशेष योगदान है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ उन्होंने सींचा है, यहाँ कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है। गोरखपुर महानगर के सभी कार्यकर्ता उनको दिल से प्यार करते हैं। सभी कार्यकर्ताओं के सुख दुख में आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी सम्मिलित होते हैं और इसलिए कार्यकर्ताओं के अंदर एक गजब का उत्साह है। कार्यकर्ता आज अपने बीच के कार्यकर्ता को नेता मान के आज उसका भव्य स्वागत अभिनंदन इस गोरखपुर महानगर में ऐतिहासिक स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम आज होगा।